किसी ने पूछा कि मर्द हक आगाह की क्या निशानी है? क्या पूछा? मर्द हक आगाह की क्या निशानी है, कहाँ है, उनसे कैसे देखा जाए? उन्होंने कहा तुमने इसको शहीद करना है, क्योंकि जब भी मर्द हक आगाह आ गया तुम्हारे लोगों ने शहीद कर दिया। ये देखो कि पहले तुम आपने आपको तैयार करो कि मर्द हक आगाह के काफिले में हो गए या उसे शहीद करने वाले हो गए। जहाँ सवाल से पता होता है तुम्हें मर्द हक आगाह दिखा दिया जाए तो तुम वैसी तलवार लेकर उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो है ना बिहेवियर पुराना चला रहा है। यहाँ से भी जिंदगी तो इमाम की जंग शुरू हो जाती है, ये सुनी का फसाद हो जाएगा, खामोश बैठो। जितने भी मर्द हक आगाह आ गए तुमने शहीद की। कोई आ गया उसने कहा मतलब इसको एक बना दो, इसको मंसूर बना दो, वो मंसूर बेचारे का मतलब कसूर है कि नहीं है, उसको अल्लाह को सूली जरूर लगा दो। इसको हर बार ही आपने सूली लगाया मर्द हक आगाह को, हर बार ही तुमने अजीज के साथ उसको रुसत किया। मर्द हक आगाह को तुम हमेशा ही पत्थर मारते रहे। अब तो मर्द हक आगाह तुम तंग करके आएगा, अच्छा, ताकि तुम उसके साथ शरारतें न करो, वरना तो जब भी आए तुमने परेशान किया। इसलिए आपके तरह वो भी परेशान नहीं होकर आना चाहिए उसको, अच्छा। ये नहीं कि आगे कह दे कि मैं कोई इमाम वक्त हूँ, उनको तैयार करो 5 मिनट ठहर मैं छुरी लेके आ जाऊँ, इमाम वक्त नहीं आएगा। आप कहता है वो शहादत का जमाना गुजर गया, अब अपनी जानों का फिक्र करो। अब इमाम आएगा कि इस्लाम के घोड़े पर चलाने लगा था, बच गए आप, इसने कहा जरा ठहर के आएंगे देखा जाएगा, तो वह कोई ना कोई अनोखी सवारी पर आएगा, तो ताकि तुम लोग जो है ना उसके साथ कोई जिदबाजी न करो, वरना आमतौर पर तुम लोग जो दिक्कत में पता होता है। अकीदत करनी पड़ेगी, इताअत करनी पड़ेगी, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। इसलिए आप कहते हैं कि जरा देखो ये कैसा है, इसको फतवा लगाओ, उसे और करो, बड़े बड़े दिक्कतें होंगी। कुछ आपको लम्बा जो है वो दरमियान में शहीद होना पड़ेंगे, कुछ मशाक कराम डिस्पैच होने शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ गलतियाँ निकलेंगी, फिर जाके वाकया होगा। हाँ, तो मजूब तो उसकी बात बन जाती है, लेकिन उसके सामने बात का बनना बिगड़ना बराबर होता है। मजूब होता वो है, यानी कि मजूब जो है ना वो उसका कहा हुआ चलो मुस्तनद है, ठीक है, गुफ्ता है, वो गुफ्ता है अल्लाह बद, लेकिन उसको आपके खैर और शर की नहीं पता होता। ये मरीज हो गया जी, मजूब के पास चले गए आप, मरीज हो गया, इसकी बीमारी दूर करो, कहता है चलो रुखसत हो गई दूर कर बीमारी, उसे मर गया बंदा, कहते रुखसत होगी बीमारी दूर हो गई, कहते बंदा ही दूर हो गया, चल मसला हाल हो जा भाग जा, मसला यूँ हाल करता है। तो मजूब की बात और है, कहीं मजूब के पास इलाज के लिए चले जाना, वो कहता क्या हो गया तुम, पता बीमार हो गया, ठीक हो रहा, बड़ी देर हो गई है, कहता हाँ बड़ी देर हो गई है, कहते चल रुखसत खत्म, कहता अब ठीक हो गया, कहता ठीक हो गया, हमेशा के लिए ठीक हो गया। तो मजूब का फैसला आमतौर पर ऐसे ही होता है, कहते वो ठीक करने का टाइम नहीं होता, उसको वो नया बना सकता है, कहते डिस्ट्रॉय देखा जाएगा, कहते ये मुल्क जो ठीक नहीं हो रहा, कहते नया बना लो, क्या फर्क पड़ता है। तो मजूब का फैसला फाइनल होता है, अच्छा, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि असल बात क्या है, इसलिए वो दरमियान में इस्लाह नहीं करता, नफाज तबाह नहीं होता वो कि वल्लाह ये कर दिया जाए, उनका मतलब खरबूजे बेचने पे आ जाए, खरबूजे बेचते जा जाए, मजूब है ना, मजूब का काम ही मतलब और होता है, उसका मिजाज ही और होता है। उसका मिजाज ये नहीं होता जिस तरह आपके नफासत तबाह होती है कि वल्ला बिल्ला बिस्मिल्ला खाना खाओ, कहता खाओ तो खाओ, शहर खा जाओ, नहीं खाओ तो फिर फाके ही खाओ, मिजाज और है वो, ऐसे नहीं होता तरतीब में जैसे आप तरतीब में हो। वो जहाँ धूप के साथ मतलब सूर्य के साथ आँख में आना शुरू हो जाता है, तो जहाँ अंधेरों से चुपता फिरता है, तो बड़ा अजीब व गरीब उसकी मखलूक है वो मैंने कहा मजूब तो बिल्कुल इंतहा होता है, तो गर्मी भी उसके पास है, सर्दी भी उसके पास है, तो पता नहीं तुम्हें कौन सा हाथ लग जाए, और गर्म हाथ लगा देते मजूब तो क्या कहते ये हुकूमत ठीक नहीं होती उड़ा दो, किसको कहते साहब को उड़ा दो, उन्हें कहा पहले हुकूमत उड़ा दो, कहते ये आवाम में ठीक नहीं कहते इनको उड़ा दो। इसलिए मजूब का हुक्म यह है कि जरा बच के शहरों से बाहर, वो मजूब को छोड़ दो। तो मजूब का दौर जो है ना उसे इतनी शऊर नहीं होता कि वो दौर की इस्लाह करे, वो कहता है अच्छा इस्लाम है मुसलमान हो, हाँ, और कहता अच्छा जी असब झूठे मुसलमान रातों रात गरक हो जाए, मेरे बंदा बचेगा कौन। मजूब क्यों करता फैसला, कहते सुना कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कहता हाँ जी झूठ बोलते हैं, इसी मुल्क में मुसलमानों में झूठ बोलते हैं, कहता हाँ जी बोलते हैं, कहता है या अल्लाह झूठे जितने भी है सारा रात थोड़ा साफ हो जाए, सुबह सबके अंदर झूठ है। मजूब के बाद इस तरह होते हैं, बच के रहना उनसे, अच्छा। तो मजूब कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, निज़ाम हुकूमत नहीं दिया करते आमतौर पर मजूब को, और न देना चाहिए। ये कभी कभी मतलब इनको आ जाता है इख्तियार, वो चाहे स्नैच कर देते, फिर ऐसा सेट होता है, बड़ा मुश्किल से सेट होता है फिर जब सालक से निकल के मजजूब के पास की बात चली जाती। दुआ ये होनी चाहिए कि मजजूबों से बच के रहो, वो होते ताकतवर होते हैं ना, गर्म होते हैं और होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नहीं बता दो तो मजबूर कब बनता है? जो शख्स अल्लाह ताला की मोहब्बत में किसी एक मकाम पर गुम हो जाए हैरत के अंदर, वो मजबूर हो। मजबूर के एक ही मौसम होता है उस पर, मजबूर तो आपको बाद में समझ आएगा। खुदा न खातिर किसी एक आदमी पे गम आ जाए बर्दाश्त से ज़्यादा, उसके बाद तमाम रंगीनी हयात उसके लिए बेकार है, गम जो है हमेशा उसी में रहेगा, शोकबार हो जाएगा। कहते हो तो पिछले साल तेरा फौत हुआ था कोई अजीज, अब क्या हुआ? कहते हमारे यहाँ कोई पिछला साल अगला साल नहीं होता, हमारे यहाँ एक ही मौसम होता है। अब हम में आ गए ना मुकम्मल, अब उसका गम जाने का नहीं है। तो गम का मौसम एक ही मौसम, क्या मजूब की शूर आपको मिल जाएगा। मजूब ने एक बात देखी कि अल्लाह को मैं नहीं मानता हूँ, कहा है कहीं से उसने एक बात शोभा देखा अल्लाह ताला का, कोई मेहरबानी का, उसने कहा भाई खड़ा। तो वहाँ से कोई आवाज़ आ गई कि अच्छा दोबारा मिलना चाहता हूँ, तो भाई यहीं हम मिलेंगे। तो 20 साल वहीं खड़ा रहा, मजूब हो गया। मजूब जो है किसी एक कैफियत में मुंजमद जामिद हो जाता। अब उसका मौसम वही मौसम है, ये साहब काफ का मौसम। वो 20 साल गुजर गए, 25 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, कहते वो है नहीं है। कौन कहता भी क्या कहते हम आते हैं उसी साल में है। तुम जमाने बदल जाए, मौसम बदल जाए, बादशाहियाँ बदल जाए, तो उसका एक ही मौसम है। तो मजूब का मौसम एक ही मौसम होता है। सालक जो ये मौसमों के साथ सफर करता है, ये चाहना होता है ना। मजूब जब बेवकूफ़ होता है, सिंसियर होता है, गम अरब और वो इसी एक ख्याल में गुम, एक ख्याल में गुम। वो कहता है कि मनम महवे ख्याले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम शुदम घर के मिसाले ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम। मैं उसके ख्याल में खुदा ने कहा था, कहाँ चला गया? अब ये वो मंजूब है जो थोड़ा सालक भी बयान करते जा रहा था। ये किलंदर होता है। ये कौन होता है? किलंदर, जो मंजूब होता है और सालक होने के हवाले से बयान करता है बात। ये बोली का चेहरा है। अच्छा क्या चेहरा है? मनम मैं वे ख्याल हूँ नमी दानम खुजा रफ्तम शुदम घर के विसाले हूँ नमी दानम खुजा रफ्तम। के जाना कहाँ था, गया कहाँ, किस्सा क्या हो गया, और फिर उसके बाद आंख ने क्या देखा और क्या नहीं देखा। वो ये कहता है जलवा गाह है, ये दूसरा मजलूब है। जलवा गाह नाज के पर्दों का उठना याद है, फिर हुआ क्या और क्या देखा, ये किसको होश था। फिर क्या हुआ इसके बारे में पता नहीं है। ये मजूब नंबर 2 है, हल्के दर्जे का। और एक और मजूब जो सालक ज़्यादा है, मजूब कम है, वो कहता है कि अब ना कहीं निगाह है, अब ना कोई निगाह हमें, अब ना कहीं निगाह है, अब ना कोई निगाह हमें, मैं वो खड़ा हुआ हूँ मैं हुस्न की जलवा गाह में। हुस्न हजार तर्ज का एक जहां असीर है, और मुलहद बेखबर भी गुम जलवा ला इलाह। दर पे तेरे जो आ गया अब न कभी मुझे उठा, गर्दश मेरो माह भी देख चुका हूँ राह में। वो एक ही खाली गुम हो गए ना। अब एक गर्दश मेरो माह भी आ गई, वो उसको और कोई वाक़ा नहीं पता। हमारे लिए एक ही बात है, कल भी याद तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी याद है, तुम कौन हो नहीं भी नहीं पता। और फिर एक मजूब पर एक मकाम ऐसा आता है कि वो महबूब की याद से ही गुम हो जाता है। चल कहते किसकी याद ने कहाँ पहुँचाया, उसका नाम कहते वो भी गुम, तेरा नाम मैं भी गुम, पर वो दफ्तर ही गुम कर देता है। कहता ना पता महबूब का नाम क्या है, ना पता महब का नाम क्या है, मैं किसकी तलाश में निकला हूँ मुझे ये भी नहीं पता। कहता पता ही कुछ नहीं है, पता का भी पता नहीं है। ये भी मकाम आता है, अपने नाम से भी गुम हो जाता है। ये उसका याद है। ये मजूबों के बड़े बड़े दर्जात हैं, इसलिए मजूब होते हैं, बड़े ज़रूर होते हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे होता है। ये उसकी राह के अंदर जो है मकाम वादी हैरत है, हैरत के अंदर गुम हो जाने वाले मजबूर हो जाते हैं, उन पर जलवा से आश्कार होता है, बस वही रह गए सुभान अल्लाह बस मतलब उधर देख रहे हैं, पर्दे उठे हुए भी हैं और उनकी इधर नजर भी है और बढ़ के मुकद्दर आजमा सर भी है संग दर भी है, वो वही के वही हो रही है, उधर देखते जा रहे हैं। कहते इधर देख क्या हुआ, कहते कौन क्या हुआ, कहते हम कौन कुछ नहीं पता, उसको जिस नाम से मर्जी पुकारो बोलेगा नहीं मजूब हो गए। तो मजूब जो है ये एक रंग के अंदर गुम हो जाने वाला इंसान है। आपके यहाँ हमारा रंग नरंगिया है ना, गम अलग मौसम है, गम में मेरे मसला ये अलग डालते हो, खुशी में अलग आप मतलब बंद संभाल के जाते हो, आपके मौसम है, अब खाने का मौसम है जरा और तरह जाओगे, पीने का मौसम और तरह जाओगे, गम की महफिल में जानी है, अच्छा अल्लाह आराम करे, सुना आपके पास फौत हो गया, कहते फौत हो गया, कहते चल ठीक ही हो गया, खैर है, मतलब आप इसके फुल शुल्क का आपको इंतजाम होना है, खाने पीने के बावजूद आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती रहती। आप देखो किसी आदमी की कितनी तारीफ करते हो और फिर उसी ज़बान में मुबारक से उसकी बदतरीफें करते हो। आपसे मिलकर आमतौर पर शादियों के अंदर बड़ी बात कहते हो कि हमसे शादी करना चाहते हो, मब्बर की शादियाँ, कहते फिर बेजहारी की शादी, कहते वो मेरे चार्ज बड़ा गलत निकला, गधा है तू, आप कि खुद ही अच्छा कहता खुद ही बुरा कहता, खुद ही अच्छा कहता खुद ही बुरा कहता, वो दोस्त धोखा दे गया, किताब उससे गिला कर रहा है। जब हम कहते थे कि ये धोखाबाज होगा पक्का दोस्त है, तो ये तुम्हारी आदत है चेंज होने की, ये तुम्हारा रंग है, जलवे जलवे अलग अलग जलवे, मजूब का जलवा एक ही जलवा, एक ही रंग में गुम हो जाए। मजूब होता है, पक्का होता है, जरूर होता है, ख्याल के साथ जान के साथ, अच्छा ये नहीं कहना नहीं होता, बिल्कुल होता है, जरूर होता है, साल बाद में होता है, मजूब पहले होता है, अच्छा ताकत में वो बहुत ताकतवर चीज है। हाँ और पूछो, आप बोलो, नहीं बोलते आप बोलो, हाँ आप बोलो, आप नहीं बोलेंगे और बोलो क्या खिलाफ कोई अब तब तुम बोलो उसके बाद पूछना ना। और यूनिवर्सिटी में जाओ, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी क्या कर रहे हैं, नहीं है? हाँ जी कोई बात बोलो। दीन अच्छा था जी, जो मुकम्मल था, मुसलमानों का दीन मुकम्मल हो चुका था, या आकर साहब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताया के बाद होना, ये जो आपकी तबई हो रही है ना क्योंकि तस्लीम से आप बचना चाहते हो, तुम दीन के अंदर नकाश निकाल के अपनी बेदीनी का तहफ़ुज़ करना चाहते हो। वो कहते हैं कि तुम्हारा घर जिसमें तुम्हारे माँ बाप सब हैं, दादा हजूर तक सब ठीक था, उसके बाद तुम जो है ना तुम बर्बाद हो गए। और अगर कोई बेटा अच्छा हो ख़ानदानी, वो कहता जब तक मैं जिंदा हूँ ना हमारा खानदान बदनाम नहीं होगा। कौन होगा? अगर कोई अच्छा बेटा शरीफ व नफ्स हो तो क्या कहेगा कि मेरे माँ बाप की आबरू अभी तो मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ आबरू की हिफाजत करूँगा। तो इस्लाम असल में कोई शाय नहीं है कि दीन नहीं है, मुसलमान के अकीदे का नाम है इस्लाम। इस्लाम क्या है? और मुसलमान तुम अगर नहीं हो तो बाकी को मुसलमान मैं क्या करूँ? तुम्हारा जाति क्या नाम है? यूसुफ। लो तो यूसुफ साहब मैंने फालतू बोला, यूसुफ के अकीदे का नाम क्या है? इस्लाम। तुम इस्लाम के अकीदे के मुहाफ़िज़ हो। आप बताओ क्या नसीब इस्लाम है? इस्लाम कौन है? आप। इस्लाम को ये लिटरेचर नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, मुसलमान का अकीदा है। क्या है? मुसलमान अगर आपने अकीदे पर कायम है तो इस्लाम बिल्कुल कायम है। आप बताओ अकीदे पर कायम हो? कमजोर। अकीदे का माहौल बनना चाहते हो, हिम्मत नहीं है, अकीदे से निकलना चाहते हो, कोशिश कर रहा हूं, जहां से मार खाएगा। क्या करेगा? जहां से मार खाएगा। ये अकीदा ऐसा है, अकीदा ये है आईना। इस्लाम क्या है? आईना। और चेहरा कौन सा नजर आता है? अपना ही। अगर तुम अपने इस्लाम पे पक्के हो जाओ तो इस्लाम पक्का है, और तुम अगर ऐसे ही हो तो ऐसा ही है। दरार है तो दरार है, तुम नजदीक हो जाओ, इस्लाम नजदीक हो जाएगा। तुम आईने के अंदर हो जाओ तो उसे मिल लोगे, हट जाओगे तो वो भी हट जाएगा। इस्लाम तो नाजुक मिजाज है तुमसे ज्यादा। और जो शख्स इस्लाम में कोई कमजोरी देखना चाहता है या दिखाना चाहता है या दान करता जा रहा है, वो बिल्कुल अपने आप को मुसलमान होने से हटा रहा है। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको उधर से हेड मास्टर नहीं मुकर्रर हुआ। मुझे यकीन है बेगुमा है इस्लाम पर, क्या है यकीन है पुख्ता, मुझे यकीन है तो यकीन इलम बन जाता है। तुम्हें यकीन हो जाएगा, तुम्हारा यकीन इलम बन जाएगा। तुम्हारा यकीन कमजोर है किस बात पे? अपने अकीदे पर। अपनी आंखों की बिनाई पर तुम्हें शक हो गया, अपनी औलादों पर तुम्हें शक हो गया, अपने गिरद पेश पर तुम्हें शक हो गया, अपनी आखिरत पर शक हो गया, अपने अल्लाह पर शक हो गया, अपने दीन पर शक हो गया। तुम्हें तो अपने आप में होने पे शक हो गया। तुम्हारे तो लाइफ टेन्योर इज प्रीकेरियस और तुम्हारी टेन्योर खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या करो, यकीन पर। अब इकबाल यहाँ का यकीन पैदा करेगा कि मगलूब बेगुमान तू है। यकीन पैदा कर, यकीन ही तेरी जिंदगी का राज है, वो तेरे हाथ से निकल गया। इस्लाम कायम है कब तक? जब तक मैं हूँ। इस्लाम कब तक कायम है? जब तक मैं हूँ। आप भी ये कहो, इस्लाम कब तक कायम है? सुभान अल्लाह, तेरा कायम होना है, इस्लाम कायम होना है। अब बताओ इस्लाम में क्या नक्शा है? कहते दूर हो गई, क्योंकि तू खुद मुहाफिज है। मुहाफिज की मौजूदगी में नकायत किस बात के बयान हो रहे हैं? कहता हम अकीदा है इस्लाम का, बात कर क्या करना चाहता है? हम खुद इसका अकीदा है, हम खुद इसका हम इस्लाम छोड़ेंगे। आप भी ये कहो, इस्लाम को कैसे पेश करोगे? लोग कहेंगे इस्लाम में तो सारा तकीदा टूट गया, सब लोग तो काफिर हो गए, तुम क्यों हो? कहते हैं ये अकीदे की सनद है कि मैं हूँ। अभी तक सनद क्या है? इस गैर गुजरे दौर में हम आज भी कलमा पढ़ने वाले हैं, और क्या हिफाजत चाहिए इस्लाम की? बात समझ आई? तो हिंदू शक करे हमारे पास जवाब होते थे, काफिर शक करे इस्लाम पर हमारे पास जवाब होते थे। जब मुसलमान शक करने लग जाए तब जवाब कहां से आएगा? इसलिए ख्याल करो, मुनाफिकत पैदा हो जाए, जबरदस्त अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। और अजाब का एक हिस्सा हो चुका है, कौन सा हिस्सा? क्या आपके घरों का सुकून खत्म हो चुका है? आपको पता नहीं है कि हिस्सा जो नाज़िल हो चुका है, आपके घरों में सुकून खत्म हो गया। इस बात का ख्याल करो और अपने ईमान पर ईमान लाओ, है छोटी सी बात। आपने एतकाद पर एतकाद रखो, अपने फेथ पर फेथ रखो। और तुम लोग जो अपने फेथ से फेथलेस हो गए, वो इस्लाम छोड़ो, किताब वाला इस्लाम क्या है? तेरे होने का नाम इस्लाम है और मुसलमानों के अवल का नाम इस्लाम है, आपके गीदे का नाम इस्लाम है। अल्लाह के होने ना होने का तुम्हें क्या फर्क पड़ गया? अल्लाह कब पहले आता था हमारी महफिल में? आप नहीं आता। अल्लाह के पहले बदले में आपको दरवाजे पर मिलता था? नहीं। बोला अपनी जगह पर आइयो क्यों दायम कायम आज भी वैसे है जैसे था। अल्लाह के नबी आपसे पहले मतलब दौर हो गया, दादा साहब भी मतलब आपसे पहले बाजार बनना पड़ा है। अब हमने क्या बनाना है? हमारे आने से पहले बस्ती जितनी बड़ी आली शान बन रही है। अभी हम पैसे देने वाले हुए नहीं है, तो पहले बना चुके दादा साहब, वो पहले बड़े बड़े रौनकें लगी हुई, लंगर पकते जा रहे हैं बेशुमार। तो फिर हमारे आने से क्या हो सकता है? हमारे ये सोचता है कि हमारा अपना फेथ रिस्टोर हो। क्या हो? अपना फेथ रिस्टोर हो। काफिर हो जाओ तो मैं माइंड नहीं करूँगा, मुनाफिक हो जाओ मुझे बड़ा खुश। और मुनाफिक तुम होते जा रहे हो जबकि इस्लाम पर शक करने लग गए हो। इसलिए कभी ना शक करना और कभी मतलब अपने बाप की शान में गुस्ताखी ना करना, क्योंकि वही तो कि तुम्हारा जवाद सनद है। तुम्हारे अच्छा होने का, मैं हलाली की बात नहीं कर रहा, अच्छा होने का मतलब सनद कौन है? तुम्हारा डैडी। अब यही एक तुम्हारे पास जवाब था तुम्हारे अच्छा होने का, और मुसलमानों को यही सनद थी कि इस्लाम के हम मानने वाले हैं। आप किस बात से शक करने लगे हो? आज नेक हो जाओ तो इस्लाम ठीक हो गया, भाई के साथ सलूक करने लग जाओ तो ठीक हो गया, उसके साथ सलूक करने लग जाओ ठीक हो गया। तारीख के अंदर से हवाले मत निकालो और अपना हवाला दो, ये तुम आज तुम इस बात के वारिस हो, ये ज़माना तुम्हारा ज़माना है, 4 दिनों का मेला आपका मेला है, ये इस्लाम आपके ज़माने का इस्लाम है। इस्लाम हम हाल दुरुस्त है, हम हाल दुरुस्त है, कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ा, हमेशा के हमेशा सही है। मुसलमानों के बिहेवियर का नाम है इस्लाम। और मुसलमान कौन है? आप। शक कौन करेगा? काफिर। और अगर कलमा पढ़ने वाला शक करे तो मुनाफिक। काफर बख्शा जा सकता है, तौबा शायद नसीब हो, मुनाफिक तो नहीं होंगे। ये वो लोग हैं बड़े दाढ़ी वाले लगते, बड़े 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 आलम दीन बने हुए, मजाक कर रहे हैं। ये है ये लोगों की बात, ये मुनाफिकीन की बात। ज़बान पर कलमा है, दिल में शक है। कलमा इजहार यकीन है। कलमा क्या होता है? इजहार यकीन। और यकीन ना हो तो इजहार क्या करते जाएगा? कौम खुदा को नहीं मानता, ये अच्छी बात है। कौम खुदा को नहीं मानता, बात हुई वो मनवा लेगा तो मनवा लेगा, मैं मानने वालों में हूँ, ये मुनाफिक। मैं मानने वालों में हूँ, बात मुझे समझ नहीं आई। अल्लाह ताला की बात है, ये मुनाफिक है। मुनाफिक वो जो कलमा पढ़े, मुसलमानों में रहे और शक करे इस्लाम पर, इसको मुनाफिक है। आप बचो इस बात से। और कोई बात? एनीवन? डॉक्टर साहब और की बात? किसी को हिंसा? कोई दुआ? दुआ क्या की जाए बोलो? दुआ क्या की जाए बोलो? दुआ तो ये की जाए, या अल्लाह, जिस तरह हम कहते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमारे जिस्म की बीमारियों को दूर फरमा, हम ये कहते हैं हमारी रूह की बीमारियों को भी दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन एतकाद की कजी भी दूर फरमा, हमारे एतकाद को और यकीन में बदल। कहता हम जैसे भी कलमा पढ़ने वाले हैं, तू हमें मज़ीद यकीन अता फरमा और हमें हमारे ईमान के अंदर ज़्यादा ईमान अता फरमा। हम लोगों को अपनी मेहरबानियों में रख, हमें आसानी अता फरमा, कामरानी अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हम जरा कभी कभी तेरे साथ थोड़ी सी कर जाते हैं, वो ऐसे ही है जरा थोड़ी सी बेबाकी, तो मेहरबानी फरमा, हमें मेहरबानी से मारूम न फरमाना। या रब्बुल आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, सारे मसले हल हो जाएंगे। हम उस मोहब्बत से महरूम हो गए, हम फिर इल्म के अच्छे कुछ बाद में पड़ गए, तो मोहब्बत अता फरमा, सारे मसले हल हो जाएंगे। अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा, या रब्बुल आलमीन सब मसले मसाले हल हो जाएंगे। ईमान क्या? हुजूर पाक से मोहब्बत। दीन क्या? हुजूर पाक से मोहब्बत। यकीन क्या? हुजूर पाक से मोहब्बत। और अल्लाह से मोहब्बत क्या? हुजूर पाक से मोहब्बत। किस्सा क्या? हुजूर पाक से मोहब्बत। खेल साहब या रब्बुल आलमीन तू अता फरमा दो, अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह